इंडिया से बाहर पढ़ने नहीं पेप नहीं चूत मेरा एक दोस्त है करण, आयरलैंड रहता है, उसको एक लड़की पसंद है बट बात करने में फटती है उसकी, टिप्स वरना वर्जिन ही मरेगा बेचारा। एक तो भाई मेरे को ये चीज ना मेरे को बहुत गंदी लगती है, जब भी लोग इंडिया से बाहर जाते हैं ना उनको लगता है कि भाई इंडिया से बाहर चूत मिलेगी भाई। बैनचोड़ मैं तो अब इंडिया से बाहर पढ़ने नहीं पेप नहीं चूत सक्स करने जाना है भाई। माँ बाप ने जितना पैसा लगाया है, एजुकेशन लोन लेके दो गाड़ी बेच दी, एक जमीन गिरवी है, घर में घर का बंटवारा हो गया, नहीं किसी चूत लेनी है भाई। मैं तो वहां पे जाके भाई सक्स करने वाला हूँ भाई। भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे घर वालों ने इतना खर्चा किया है ना मेरे को सेक्स करते हुए रोना आ जाएगा भाई। और हो भी रखा है भाई, एक बार ही हो रखा है, ये मैं कर रहा था और मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ यार बंदी पूछती क्या हुआ यार मेरा क्या होगा यार करियर वाइज। भाई सर्बियन लेडी को सेक्स के लिए कैसे बनाए, हैव यू सीन ताजमहल? यस आई एम ए गाइड, यस आई कैन शो यू बड़कल लेक, यू हैव सीन डेथ वैली फरीदाबाद, यस आई कैन, यस बट फ्रेंडशिप, यस JEE एस्पिरेंट टू 11th ग्रेड, हाउ कैन आई मैनेज जिम टू, हो जाएगा भाई इतना थोड़ी होता है। बट यार मुझे एक बात बताओ भैंचोद, सब चीजें 11वीं में करनी जरूरी है क्या? 11वीं में घुसता नहीं लड़का, उसको हर चीज करनी है, पर्सनालिटी भी डेवलप करनी है, बंदी भी पटानी है, पैसे भी कमाने हैं, बॉडी भी बनानी है, सारा वो भी फाइनेंशियली सिक्योर भी होना है, है फ्रीलांस भी करना है, इंडिपेंडेंट भी होना है। कभी सोचा है कि तुम ज्यादा मतलब सोच रहे हो, है घर में हाथ भी बटाना है थोड़ा, कभी कभी सोचा तुमने? क्योंकि ना मुझे लगता है 15 साल के बाद ना लोगों को लगता है हाँ हर किसी का तो IAS हो ही रहा है भाई, इसका तो टॉप हो ही गया, उनको लगता है टॉप करना तो बहुत आसान है, 11वीं में जाकर उनको थोड़ा सा धक्का लगता है, उसके बाद उनको लगता है भैंचोद अब तो मेहनत करनी है, अब तो भाई गांड तोड़ देनी है भाई, गांड तोड़ देनी है भाई, हम ही है जो है हम ही सारा मेहनत करेंगे भाई, सीरियस हो जाएंगे फालतू की बातों पे। ले इसने ह्यूमैनिटीज विदाउट मैथ्स ले रखी है। एक तो ये भैंचोद मेरे को आज तक समझ में नहीं आया भाई, आज तक समझ में नहीं आया, 16-17 साल के हुए, 5,000 मिल गए घर वालों से, भाई मैं सोच रहा हूँ 4,000 स्टॉक्स में लगा दूं, क्या उखाड़ लिया भाई, और हॉलिडे होमवर्क का क्या करूं, तू कर दे भाई प्लीज। यश भाई यार मैंने आज तक हॉलिडे होमवर्क नहीं किया और इस बात का मुझे नाज है, मेरा बेटा होगा मैं तो उसका हॉलिडे होमवर्क जला दूंगा, मैं तो बोल दूंगा सर एक्चुअली आई एम सॉरी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी कि हम हॉलिडे होमवर्क नहीं कर सकते, आई एम सॉरी आप हमारे बेटे के नंबर काट दीजिए, ये 2 मंडे टेस्ट एक्स्ट्रा दे देगा बट हमारी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी है कि हम नहीं कर सकते, हम चार्ट पेपर अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होता। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कूड़ा जो बनता है ना वो सिर्फ और सिर्फ हॉलिडे होमवर्क के थ्रू बनता है, अननेसेसरी कूड़ा जो बनता है रिसाइकल कर दो, रिसाइकल करने के लिए सामान दुकान से आ रहा है भाई, बंदी इग्नोर कर रही है हेल्प, 50 रुपए दिए ना आपने, थैंक यू फॉर द 50 रुपीज, मैं आपको इग्नोर नहीं करूंगा, कोई टेंशन नहीं है उसको जाने दो, मैं आपको इग्नोर नहीं करूंगा भाई, थैंक यू फॉर 50 रुपीज।